गाइज इस वीडियो में मैं आपको इतना ट्रस्ट दे सकता हूँ कि 2024 में मुझसे बेस्ट कैमरा गिम्बल्स आपको और कोई नहीं बताएगा। देखो मोस्टली क्रिएटर्स बिना गिम्बल्स के ही वीडियोस बनाते हैं, बट उनको अगर एक स्मूथ स्टेबल सिनेमेटिक वीडियोस चाहिए देन वो बिना गिम्बल्स के पॉसिबल नहीं है। मार्केट में आपको कैमरा गिम्बल्स के ज्यादा ऑप्शन 50,000 रुपीज से अबव वाली प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं, बट आज की इस वीडियो में काफी डीपली रिसर्च के बाद इंडिया के टॉप 5 बेस्ट ऐसे कैमरा गिम्बल्स आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपको 20,000 to 50,000 रुपीज तक की प्राइस रेंज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून, वीडियो में एंड तक बने रहिए। बाकी सभी गिम्बल्स वेल नोन ब्रांड के साथ में कॉम्पैक्ट लाइटवेट डिजाइन, 3-axis gimbal stabilization for smooth shots, इसके अलावा अल्ट्रा फास्ट रेस्पॉन्स टाइम, इंटेलिजेंट ऑटो ट्रैकिंग, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ, वर्सेटाइल माउंटिंग ऑप्शन जैसे ढेर सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी डीपली रिव्यू वीडियो में करते हैं, सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आप इन कैमरा गिम्बल्स को परचेज करना चाहे तो आपको इन सभी की बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां से जाके आप इन्हें इजिली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे आपको ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एट नंबर 5th पोजीशन पे आने वाला कैमरा गिम्बल आपको फेयू स्कॉप शी की तरफ से देखने को मिलता है। अभी गाइस नाम से आप पता लगा सकते हैं कि ये एक चाइना का ब्रांड है, बट इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि 20,000 रुपीज तक की प्राइस रेंज में ये आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी इनोवेटिव डिजाइन देखने को मिल जाती है, जिसमें आप सिंगल हैंड के साथ साथ डबल हैंड शूटिंग भी काफी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जॉयस्टिक, शटर बटन, टिल्ट एक्सिस इंडिकेटर, मोड बटन, रोल एक्सिस, पैन एक्सिस, लेफ्ट एंड राइट ऑटो रोटेशन जैसे और भी कई सारे बटन कंट्रोल्स यहाँ पे आपको इस गिम्बल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस गिम्बल में आपको हाई परफॉर्मिंग 99 जनरेशन सीपीयू देखने को मिल जाता है जो कि काफी स्टेबल सिनेमेटिक शॉट्स आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैजिक व्हील फॉर एक्यूरेट कंट्रोल फोकस, बैटरी लाइफ में यहाँ पे आपको 2500 mAh लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि आराम से आपको 10 to 13 hours तक का प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करती है, जिसमें साथ में आपको 18W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी वीडियो मोड में यहाँ पे आपको पैनोरमिक, टाइम स्पेस मोड, वर्टिकल शूटिंग जैसे और भी कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप सभी तरह के कैमरास लाइक DSLR, मिररलेस, सोनी, कैनन, निकोन सभी कैमरास को यहाँ पे आप इजीली लगा सकते हैं। अब बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको फिलहाल 23,000 रुपीज तक की प्राइस रेंज में अमेजोन पे देखने को मिल रहा है। बाकी ऑफर्स में अगर आप इसे ट्राई करें तो ये आपको 21,000 या फिर 20,000 रुपीज तक की प्राइस रेंज में मिल सकता है। सो गाइस 20,000 रुपीज के आसपास अगर आपको एक अच्छा सा हैंडहेल्ड कैमरा गिम्बल लेना है देन आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस प्राइस रेंज में स्टेबल शॉट्स के साथ साथ कई सारे शूटिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द 4th पोजीशन जो कि मोजा की तरफ से मोजा एयरक्रॉस 2 देखने को मिलता है। अभी गाइस ये इस लिस्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल कैमरा गिम्बल है, मतलब यहाँ पे ये गिम्बल मैक्सिमम पेलोड 4.2 kg तक का उठा सकता है। मतलब किसी को आउटडोर्स में शूटिंग वगैरह करनी है एंड उनको माइक्रोफोन, कैमरा मॉनिटर्स एंड और भी कई सारी लाइटनिंग एक्सेसरीज वगैरह लगानी है देन यहाँ पे आप इजीली लगा सकते हैं। इसके अलावा 20W फास्ट चार्जिंग, जिसमें आपको 3500 mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें ऑलमोस्ट ये गिम्बल आपको 20 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करता है। इस वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा बैटरी लाइफ आपको इस गिम्बल में देखने को मिलती है। बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स में यहाँ पे आपको स्मार्ट माइक्रो हैंडल व्हील, जिससे आप अपने फिंगर टिप से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मोजा स्पार्क पावर सप्लायर 3.0, जिससे आप इजीली पावर बैंक से इस कैमरा गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं। बाकी पावरफुल एक्सटेंशन असेरनल्स, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, यहाँ पे आप माइक, कैमरा ट्राइपॉड, कैमरा मॉनिटर्स एंड और भी कई सारी माउंटिंग की एक्सेसरीज लगा सकते हैं। ओवरऑल टोटली इसका बिल्ड आपको मेटल बिल्ड में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको वन स्टेप बैलेंसिंग, 3-axis लॉक डिजाइन, एडवांस शूटिंग मोड्स जिसमें आपको मिमिक मोशन कंट्रोल, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग यानी आप कहीं पर भी मूव करते हैं तो वो कैमरा गिम्बल आपको ट्रैक करता है। इसके अलावा इंस्पेंशन मोड, FPV मोड एंड स्पोर्ट्स गियर मोड जैसे ढेर सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। मतलब ओवरऑल इसका बिल्ड काफी बढ़िया है, जिसमें आप हैवी से हैवी कैमरास को इजीली माउंट कर सकते हैं एंड काफी स्मूथली स्टेबल शॉट्स वगैरह ले सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये आपको फिलहाल 35,000 रुपीज तक की प्राइस रेंज में अमेजोन पे देखने को मिल रहा है। बाकी ऑफर्स में अगर आप इसे ट्राई करें तो ये आपको 33,000 रुपीज तक की प्राइस रेंज में अमेजोन पे देखने को मिल सकता है। सो गाइस अगर आपका 35,000 रुपीज तक का बजट है एंड आपको इस प्राइस रेंज में अच्छा सा हैवी ड्यूटी वर्क के लिए कैमरा गिम्बल स्टेबलाइजर लेना है देन आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको कई सारे एडवांस शूटिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। सो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टेपिंग ऑन टू द थर्ड पोजीशन, जो कि होयम की तरफ से आई स्टडी MT2 गिम्बल देखने को मिलता है। अभी ये कैमरा गिम्बल मेरी फेवरेट लिस्ट में से एक है, मतलब 30,000 रुपीज तक की प्राइस रेंज में ये एक ऑल इन वन गिम्बल है। चाहे आप इसमें कैमरा माउंट कीजिए या फिर स्मार्टफोन, गोप्रो, मिररलेस कैमरास, DSLR, सभी इस कैमरा गिम्बल में काफी अच्छे से माउंट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस प्राइस रेंज में आपको साथ में कई सारी माउंटिंग किट एसेसरीज भी देखने को मिल जाती है, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट AI कैमरा मूवमेंट, मतलब एक्स्ट्रा में यहाँ पे आपको एक ऐसा सेंसर देखने को मिलता है जो कि आपके सारे मूवमेंट्स को ट्रैक करता है एंड जिस भी डायरेक्शन में आप जाते हैं उसे वो ट्रैक करके एकदम एक्यूरेटली वीडियोस वगैरह शूट करता है। बाकी मल्टी 4.0 क्विक रिलीज सिस्टम, जिसमें आप कैमरे एंड स्मार्टफोन को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा आर का स्विचेस क्विक रिलीज सिस्टम, मल्टी एक्सपेंशन पोर्ट्स, इजी कैमरा कंट्रोल, आई स्टडी 7.0 स्टेबिलाईजेशन, जो कि काफी अच्छी खासी स्टेबिलिटी के साथ में आपको स्मूथ वीडियोस प्रोवाइड करता है। बाकी सभी तरह के एडवांस शूटिंग ऑप्शंस लाइक पैनोरमिक, टाइम स्लैप, टॉली जूम, सभी यहाँ पे आपको इस कैमरे गिम्बल में देखने को मिल जाते हैं। एंड एक और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आई ट्रैकिंग सेंसर है उसी में आपको RGB फिल लाइट देखने को मिल जाती है, जिसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अलग अलग क्लाइमेट में इजीली यूज कर सकते हैं। अब बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, तो ये कैमरा गिम्बल आपको 17 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करता है। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको फिक्स 30,000 रुपीज तक की प्राइस रेंज में अमेजोन पे देखने को मिल रहा है। सो गाइस, ओवरऑल इसका बिल्ड एंड डिजाइन काफी बढ़िया है। यहाँ पे आपको एक दो एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पे आप कैमरे के साथ साथ स्मार्टफोन, GoPro एंड और भी कई सारे मिनी कैमरास माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट AI ट्रैकिंग, सो ये यहाँ पे 30,000 रुपीज तक की प्राइस रेंज में काफी बड़ी बात है। सो 30,000 रुपीज तक की प्राइस रेंज में अगर आपको एक मल्टीपर्पज ऑल इन वन कैमरा गिम्बल लेना है, देन आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन, जो कि DJI की तरफ से RS3 मिनी देखने को मिलता है। बता दूं, ये भी न्यूली लॉन्च्ड कैमरा गिम्बल है, जो कि RS3 का ही कॉम्पैक्ट वर्जन है। मतलब RS3 आपको 60,000 to 80,000 रुपीज के बीच में मिलता है एंड ये RS3 मिनी आपको 35,000 रुपीज तक की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस इनकी बॉडी का है। मतलब RS3 में आपको कई सारी किट एसेसरीज साथ में देखने को मिलती थी, जिसमें वो गिम्बल काफी हैवी था एंड वो डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया था। हालांकि अगर आपका बजट 60,000 to 70,000 रुपीज का हो तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं, बट फीचर्स वाइज दोनों सेम है। यहाँ पे भी आपको एकदम काफी स्टेबल शॉट्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनको एज अ बिगिनर फिल्म मेकिंग वगैरह करनी है या फिर उनको यूट्यूब, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वगैरह बनाने हैं, देन वो लोग इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इस गिम्बल की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 2 kg की है, मतलब यहाँ पे आप 2 kg तक के कैमरास इजीली माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यूली थर्ड जनरेशन RS स्टेबिलाईजेशन देखने को मिल जाता है, जो कि अदर गिम्बल्स के मुकाबले काफी स्मूथ शॉट्स आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 1.4 inch फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले, जिसमें आप ऑलमोस्ट सभी तरह के कंट्रोल्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डिजाइन वाइज भी आप देख सकते हैं काफी लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट इसे बनाया गया है, मतलब इजीली कभी भी कहीं भी आप इसे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा 200 grams तक के ऑलमोस्ट सभी तरह के कैमरास यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। फीचर्स में यहाँ पे आपको रिच कैमरा मूवमेंट, फ्लेक्सिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस, न्यू लेयर्ड क्विक रिलीज प्लेट, नेटिव वर्टिकल शूटिंग ऑप्शंस, मेनी एक्सपेंशन पोर्ट्स, ब्लूटूथ शटर कंट्रोल, फ्रंट डायल फोकसिंग एंड बैटरी लाइफ में ये कैमरा गिम्बल आपको 10 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करता है। सो ये था वो DJI की तरफ से आने वाला कैमरा गिम्बल, जो कि आपको 35,000 रुपीज के आसपास अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। बाकी ट्रस्ट मी, 35,000 रुपीज के आसपास ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, लास्ट नंबर 1 पे आने वाला कैमरा गिम्बल आपको Zhiyun की तरफ से Zhiyun Vibble 3S देखने को मिलता है। अभी आपको इसकी प्राइस काफी ज्यादा लग सकती है, बट इतना मैं आपको कह सकता हूँ, प्रोफेशनल वीडियोग्राफी के लिए आपको स्मूथ स्टेबल शॉट्स वाला कैमरा गिम्बल लेना है, देन आप Vibble 3S की तरफ जा सकते हैं। ये भी रिसेंटली न्यूली लॉन्च्ड कैमरा गिम्बल है, जो कि आपको फिलहाल 64,000 रुपीज तक की प्राइस रेंज में अमेजोन पे देखने को मिल रहा है, बट ऑफर्स में अगर आप इसे ट्राई करें तो ये आपको 55,000 to 56,000 रुपीज तक की प्राइस रेंज में मिल सकता है। फीचर्स में यहाँ पे आपको लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, क्विक स्विचेस, स्लाइंग मोड, डिटेचेबल डिजाइन, जिसमें आप काफी स्मूथली दोनों हाथों से कंफर्टेबली वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हैं। जनरली मार्केट में हमको जितने भी कैमरा गिम्बल्स देखने को मिलते हैं, उनको हमें सिंगल हैंड में यूज करना पड़ता है, जिससे कभी कभार हमारा हैंड काफी अनकंफर्टेबल फील करता है एंड काफी इस जगह पे हमारे पैन होता है। एंड यहाँ पे आप इस कैमरा गिम्बल को दोनों हाथों से कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप काफी बढ़िया सिनेमेटिक फुटेजेस ले सकते हैं। फीचर्स में यहाँ पे आपको 0.9
96 इंच डिस्प्ले स्क्रीन, फ्लैट जॉयस्टिक स्टिक जिससे इजीली कैमरे को टिल्ट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिगर फंक्शन, एडजस्टेबल व्हील, 1000 लुमिनिक्स फिल लाइट जो कि लो लाइट कंडीशंस में काफी हेल्प करता है, लाइक किसी जगह पे आप वीडियोस वगैरह शूट कर रहे हैं एंड वहां पे लाइटनिंग वगैरह काफी कम है, देन उस जगह पे काफी काम में आने वाली लाइट है। बाकी बैटरी लाइफ में यहाँ पे आपको 11 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है, इसमें चार्जिंग टाइम 2 आवर्स तक का देखने को मिलता है। सो गाइस ये था वो ज़ायोन की तरफ से वेबिल 3S जो कि प्रोफेशनल क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है। बाकी लिस्ट में मैंने जितने भी कैमरा गिम्बल्स बताए हैं, ऐसा नहीं कि वो बढ़िया नहीं है, वो भी अपनी अपनी प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। किसी में आपको कई सारे एडवांस शूटिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, तो किसी में आपको लाइट वेट डिजाइन देखने को मिलती है। सो अगर आपका बजट कम हो तो आप DJI Huayam, Moza Aircross या फिर Feiyu Scope की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने इन सभी कैमरा गिम्बल्स की बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहां से जाके आप इन्हें इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस ये थे वो इंडिया के 5 बेस्ट कैमरा गिम्बल्स जो कि आपको 50,000 रुपीस की प्राइस रेंज में Amazon पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी अच्छे ऑफर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें ऑफर्स में ट्राई करें। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में ऐसी किसी नए टॉपिक के साथ में।